गुलड़ा अटड़न था जडे सिज थो घुरे त गुलड़ा अटड़न था भोजन मारंग ढाढ़ा वड़न था भोजन मारंग ढाढ़ा वड़न था भोजन मारंग ढाढ़ा वड़न था मॉर्निंग पीटीवी नेशनल मॉर्निंग पीटीवी नेशनल बिस्मिल्लाह रहमान रहीम डे पर डे जिते जिते भी पीटीवी ऐं पीटीवी नेशनल ॾिसण वारा आहिनि जंहिंमें कराची खां कश्मीर या किंजर खां कारोंजर ताईं हुजनि उन्हनि सभिनी खे साहिर अली ख़ान जो सिख भरो सलाम क़बूलु हुजे। ईद वेझराट में गुज़री आहे, तव्हां सभिनी खे ख़बर आहे, ऐं सभु को खाए बि पियो, पीए बि पियो, फ्रिजनि मां गोश्त बि कढे पियो, ऐं पंहिंजे पंहिंजे तरीक़नि सां, पंहिंजे पंहिंजे स्टाइल सां, ऐं पंहिंजे ई अंदाज़ सां मज़ा वठे पियो। जी मज़ा त वठे पियो, वठण बि घुरिजनि, पर हिकिड़ी शइ न करणु खपे, ख़बर अथव कहिड़ी? तव्हां कंहिंखे ॾिसी उनखे जज करणु शुरू करे छॾींदा आहियो, उनजे लाइ हिकिड़ी हतमी राय क़ाइमु करे छॾींदा आहियो ऐं चवंदा आहियो हीउ ग़लति आहे, हीअ त ग़लति ई थो सोचे, हीअ त ग़लति ई पियो करे, या असां ज़बरदस्ती पंहिंजूं सोचूं ॿियनि ते मुसलत करे छॾींदा आहियूं। या तव्हांजी मुंहिंजी त दोस्ती आहे न, हा असांखे त तव्हां सां गॾु हलणु खपे, यार तोखे हीअं चवणु न हो, इहो तोते सूट कोन पिए कयो, उनखे ॾुखु थियो हूंदो, उनखे ग़लती थी हूंदी। तव्हांखे हिकिड़ी मज़े जी ॻाल्हि थी ॿुधायां, तव्हांखे मज़े जी ॻाल्हि ॿुधाईंदी हलां, ग़लति हूंदो, बिल्कुलु हूंदो, थी वेंदो आहे, गुसो बि ईंदो आहे, ॾुख बि थींदो आहे, सुख बि ज़िंदगी में हूंदा आहिनि। जीअं चवंदा आहिनि त हर अंधेरे खां पोइ हिकु नई रोशनी जी किरण नज़र ईंदी आहे, उहा सुबुह जी सूरत में हूंदी आहे, तीअं ग़लति बि थींदो आहे, पर हुन ग़लति खां पोइ छा सही कोन थींदो आहे? छा इंसान खे गुसो कोन ईंदो आहे? केरु केतिरो बि बर्दाश्त करे किथे न किथे हुनखां चिड़ गुसो कुझु बि अची वेंदो आहे। पर यादि रखिजो, तव्हां जेकी हतमी राय क़ाइमु करे इहो तो ग़लति कयो आहे, तोखे ईअं न करणु खपे, हा हुनखे ॾुखु थियो हूंदो, मे बी हुन ॾुखे ॾुखु न थियो हुजे, हुनखे हुजत लॻी हुजे, पर तव्हांजी पुश पुश बार बार हिकु बार ॿीहर टीहर चोर ईअं कंदड़ करण सां साम्हूं वारे खे सही ॻाल्हि बि नेगेटिविटीअ में नज़र अचणु शुरू थी वेंदी आहे, ऐं पोइ तव्हां हुनखे नेगेटिव करार ॾेई छॾींदा आहियो। तंहिं करे यादि रखिजो, तव्हांखे तव्हां खां बहितर केरु कोन थो सुञाणे त तव्हां पाण केरु आहियो, छा आहियो, कीअं आहियो। तव्हां ॿिए खे मौक़ो न ॾियो, बिलीव मी, मूंखे सभु चवंदा तूं कंहिंखे मना नथी करी, तूं कंहिंखे चई नथी, पर हाणे आउं थोरो थोरो सिखी आहियां त प्लीज़ ऐं ग़लति ई हुजां त तव्हां मुंहिंजे बारे में राय न क़ाइमु कयो, भले मूंखे ऐं तव्हांखे न वणंदी हुजां, तव्हांखे राइट आहे त तव्हां मूंखे चओ त आउं ग़लति आहियां, पर मुंहिंजी दिलि आज़ारी न कयो, मुंहिंजी ॻाल्हि खे एॾो वधायो न, बार बार उनखे रिपीट करे साम्हूं वारे खे अहसासु न ॾियारियो त आउं ग़लति आहियां। इन लाइ तव्हां मूंखे सम्झायो पिया, तव्हांखे आउं इहो हक़ नथी ॾियां, छो जे अगरि आउं तव्हांखे इहो हक़ न ॾींदसि तॾहिं आउं जी सघंदसि, पर शायदि आउं कुझु ॾींहंनि में ई ख़तमु थी वञा, इन टेंशन में आउं एॾी बुरी आहियां, ऐं एॾी ग़लति आहियां, बिलीव मी, ऐं काफ़ी अर्सो इन करे डिप्रेशन में रहीसि, छो जो सभिनी जी ॿुधंदीसि, ऐं हिकिड़ो माण्हू केरु केतिरी ॿुधंदो, ऐं इहो तव्हांखां पंहिंजो पर्सनल एक्सपीरियंस पई शेयर कयां। जीअं पली जूं साहब वारी ॻाल्हि त इजाज़त ॾियो किताबनि खे त हू अची तव्हांजी सोच खे चेंज कनि, यानी के पढ़ो, तीअं ई इजाज़त ॾियो पंहिंजो पाण खे सुञाण खे सुञाण जी कोशिशि कयो त तव्हां छा आहियो, तव्हांजे अंदरि में छा आहे, तव्हां वटि तव्हांजी जेकी काउंटिंग आहे न उहा अलाह वटि हलंदी आहे, तव्हां ग़लति हुयो या सही हुयो हू हुतां सिलेक्ट थींदी आहे ॻाल्हि, त तव्हांखे सज़ा ऐं जज़ा हुतां मिलंदी आहे। पोइ असां माण्हुनि जे चकर में पंहिंजी ज़िंदगी खे बर्बादु करे छॾींदा आहियूं ऐं चेंज करे छॾींदा आहियूं, छो? त यादि रखिजो, हुन किताब वांगुरु त पंहिंजो पाण खे जॻा ॾियो, पंहिंजे पाण जे अंदरि खे पाण टटोलियो, महसूसु कयो त तव्हां में बि क्वालिटीज़ आहिनि, तव्हां बि सुठो करे सघो था, तव्हां बि कंहिंखे वणी सघो था, तव्हां ते बि कुझु सूट करे सघे थो, तव्हां बि कंहिंजे लाइ सुठो पचाए सघो था, ऐं तव्हां बि कंहिंखे सुठो खाराए सघो था। हर क्वालिटी हर कंहिंमें हूंदी आहे, सिर्फ़ु पंहिंजी क्वालिटीअ खे पाण सुञाणो आहे, त पोइ असां हाणे छो न हिन क्वालिटी खे सुञाणूं जेकी आहे मुंहिंजी दोस्त केरु, तव्हां सम्झी विया हूंदा। सोचां पई त चुस्की वठी चांहि जी ऐं हली हुन वटि बीहां,
काउंटर ते पुछांस दे छोकरी मुखे खबर है छा पई तू ठाई सो आऊं वेलकम कदस पेंजी दोस्त शाइना के अस्सलाम वालेकुम शाइना अस्सलाम कैसे की हो तहां हां ठीक ठाक फर्स्ट क्लास अल्हम्दुलिल्लाह आप सुनाए आऊं फर्स्ट क्लास जबरदस्त आ मुझे ख्याल सा आऊं इनन के हते खड़ी रखी छिया खूबसूरती सा अन्य वदी का सोना लगना जो गुल सा कर गुल सुठो लगनो अपने मुंह मियां मिठू सो आज तहां सा के छा पे बताओ अच्छा जी सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप लोग और मैं हूं शेफ शाहिना शुमाइल और वेलकम करती हूं आपके अपने किचन में जी जनाब तो यहाँ पर क्या बन रहा है यहाँ बन रही है बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बन रही है सायरा यहाँ बन रहा है जो डिश बनती है बहुत सारी आपने फॉर्म में कढ़ाइयाँ खाई होंगी तो यहाँ पर आज मैं आपको मलाई कढ़ाई खिलाने वाली हूँ क्योंकि इस वक्त गोश्त बहुत खाया है बिल्कुल तो लेकिन हम इसको चिकन में बना रहे हैं हाँ, और ये मलाई बहुत खाया है बहुत खाया है बहुत खाया बिल्कुल तो अब थोड़ा सा चिकन की तरफ भी आना चाहिए थोड़ा सा वेजिटेबल्स की तरफ भी आना चाहिए अपने मेन्यू को इस तरह रखना चाहिए कि मैनेज करके ना कि सिर्फ अगर हम गोश्त खा रहे हैं तो बिल्कुल बस गोश्त ही खाते रहें तो इसलिए यहाँ पर जो बन रही है वो मलाई हांडी यानी कि मलाई कढ़ाई बन रही है उसके इंग्रेडिएंट्स बहुत सिंपल है यहाँ पर और इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर चिकन मैंने ली है आधा किलो यानी कि 500 ग्राम हमारे पास है चिकन अच्छा साथ साथ इसमें बहुत कम स्पाइसेस जाते हैं उसे बच्चे बूढ़े सब आसानी से बिल्कुल खा सकते हैं इंजॉय कर सकते हैं तो यहाँ पर हम साथ साथ क्योंकि मलाई हांडी बनी है तो मलाई के बगैर अधूरी है तो यहाँ पर हमारे पास क्रीम है 100 ग्राम यानी कि कोई भी नॉर्मल टेट्रा पैक में जो 200 ml का आता है आपने उसका आधा पैकेट ले लेना है हाफ केजी की क्वांटिटी में आधा पैकेट जाएगा 1 kg की क्वांटिटी में फुल पैकेट जाएगा यानी कि 200 ml जाएगी साथ साथ हमने दही ली है यहाँ पर आधा पाव यानी कि 125 ग्राम यहाँ पर दही जा रही है अगर आप 1 kg की क्वांटिटी बना रहे हैं तो आपने यहाँ पर लेनी है 1 पाव दही सॉल्ट आप अपने हमेशा टेस्ट के और सेहत के अतबार से इस्तेमाल करेंगे अच्छा एक अदद यहाँ पर मैंने चॉप कीवी प्याज है और ये चॉप कीवी इसको बहुत ज़्यादा फाइन नहीं किया हुआ लेकिन ये चॉप प्याज कहलाती है चॉप प्याज है चॉप प्याज हम दिखा दें हाँ ये इस तरह की चॉप कीवी है अच्छा साथ साथ यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट है अच्छा आप लोग सोचते होंगे कि मेरा पेस्ट जो होता है अदरक लहसुन येलो कलर का क्यों होता है हाँ, ये मैं भी सोच रही थी तो ये एक टिप है अगर हम अदरक लहसुन का पेस्ट जब हम ग्राइंड करके उसको रखते हैं तो हम उसको थोड़ा सा ये होता है कि स्टोरेज टाइम उसका डेवलप हो जाए तो हम उसको तकरीबन 1 महीने तक इस्तेमाल कर सके तो आप उसमें हल्दी ऐड कर दें तो हल्दी ऐड करने से क्योंकि हल्दी एंटीसेप्टिक होती है उसको ऐड करने से जो है इसकी जो है स्टोरेज लाइफ जो होती है वो बढ़ जाती है तो यहाँ पर जो है वो मैंने 1 tablespoon लिया है इसके अलावा आधा किलो की क्वांटिटी में हमेशा आधा कप कुकिंग ऑयल जाता है जो कि ना ज़्यादा होता है ना कम होता है स्टैंडर्ड होता है अगर बहुत सारे लोग जो डाइट कर रहे होते हैं वो चाहते हैं कि हम ऑयल को थोड़ा सा कम कर लें तो आप इसको 1/4 कर लें और जिनको ऑयल ज़रा अच्छा थोड़ा सा पसंद होता है तो वो इसको थोड़ा सा आधे कप से बढ़ा लें अच्छा जी यहाँ पर ये है मेरे पास चिकन पाउडर तो ये बहुत अच्छा फ्लेवर देता है खानों में अपना थोड़ा सा हम जब बाजार के स्पाइसेस इस्तेमाल नहीं कर रहे होते घर के स्पाइसेस इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो आप कोशिश करा करें कि चिकन पाउडर ऐड कर दें तकनी मिर्च का पाउडर ऐड कर दें तो इस तरह की चीज़ों से थोड़ा सा खाना थोड़ा लजीज हो जाता है उसके बढ़ जाते हैं बिल्कुल और फिर जो है टेस्ट डेवलप हो जाता है और इससे बड़ा मजा आता है बिल्कुल अच्छा यहाँ पर गरम मसाला पाउडर है सारा तो ये हमने लिया है 1 tablespoon कोशिश करें आप गरम मसाला पाउडर अपने घर में पीसें क्योंकि बाहर से जो मिलता है ना उसका बिल्कुल टेस्ट अच्छा थोड़ा सा मैंने लिया यहाँ पे 1/4 teaspoon जीरा साथ साथ है कुटी लाल मिर्च क्योंकि ये हम व्हाइट रखेंगे तो हम इसमें जो है ना पिसी हुई लाल मिर्च ऐड नहीं कर रहे तो ये लिए मैंने 1/2 tablespoon आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं बाकी कुछ अदद हरी मिर्च है और स्टार्ट करते हैं चलें जी आप स्टार्ट करें सबसे पहले जो है ना हम चिकन को कर लेंगे मैरिनेट तो चिकन को हम यहाँ पर मैरिनेट कर रहे हैं जो इसमें इंग्रेडिएंट्स है चिकन पाउडर कुटी लाल मिर्च और गरम मसाला ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें डाल के दही डाल के रख दिए अच्छा अब हम क्या करेंगे सायरा हम ऑयल गरम करेंगे ये प्याज को हल्का सा पिंक गोल्डन करेंगे जब मैं पिंक गोल्डन कर लूंगी उसके बाद में अदरक लहसुन पेस्ट शामिल करके बस ये मैरिनेट की हुई चिकन डालूंगी स्टीम पे रख देंगी थोड़ी देर जब तक आप स्टीम पे रखें और हम क्या करते हैं तरीका सीखते हैं स्मार्ट रहने का खूबसूरत रहने का हसीनी जवान रहने जो जेकी हर औरत जी ख्वाहिश हुंदी आ तो न सिर्फ लगाए सुणी थिया पर आऊं एक्सरसाइज भी करे सुणी थिया सो मुखे भी सुनो थिणो आ छो जे मुजी दोस्त जो ऑलरेडी सुणी आ स्मार्ट आ खूबसूरत आ डाडी प्यारी आ सो आ मुजी दोस्त के वेलकम कर सायमा इरफान अस्सलाम वालेकुम बोलिया बिस्तर के साथ मुसागड हां बिल्कुल बोलिया बिस्तर के साथ ये देखिए वाकई ये बोलिया बिस्तर लग रहा है ना
लगा बस तकिया रख के सोना है बस बस फिर सोना है हाँ। तो यार प्लीज मुझे मत सुलाना लाइव शो है वरना अजीब सी कॉल्स आएंगे कि भाई क्या है अपने घर में नहीं सोते कि यहाँ आकर सोए हो जी। देख लें आज मैट के साथ साथ एक ये भी चीज़ लेकर आई हूँ, कोशिश करती हूँ और बताती हूँ कि इसको हम कैसे कैसे यूटिलाइज करते हैं। इसको हम सपोर्ट के तौर पर भी यूज कर सकते हैं, बैठने के तौर पर भी, और क्या है कि हम जो है इसको हम एक्सरसाइज में कैसे यूज़ करते हैं और क्या इससे बेनिफिट्स ले सकते हैं। इसको हम पहले इस तरह से फोल्ड करेंगे, ठीक है, और ये आप अपनी नी के नीचे रखेंगे, हाथ यहाँ पे रखेंगे और फिर क्या है इसको प्रेस करेंगे, हाथ यहाँ पे रख लें। तो इससे क्या होगा कि जिन लोगों को नी का पेन होता है इससे नी का पेन ख़त्म हो जाएगा और जो है ये लुब्रिकेशन आहिस्ता से जिन लोगों की जॉइंट से चली जाती है उनको जो है ये एक्टिवेट करेगा ये वाली एक्सरसाइज, ठीक है। इस तरह से ये देख रही सायरा, जबरदस्त, वही मैं सोच रही हूँ हाँ। कितने आराम से तुम सुकून दिला रही हूँ हाँ। सुकून दिला रही हूँ ना, ठीक है। इसको यही है कि 10 की काउंटिंग से 20 की काउंटिंग से क्योंकि गोश्त भी बहुत हाँ, खाया हुआ है अभी रिसेंटली हाँ, तो ये सारा गोश्त उतर रहा है हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और जब वेट आपका ज्यादा होता है तो खास तौर से सारा प्रेशर नी के ऊपर आता है, पता है आपको। वेट बढ़ना खाली ये नहीं कि वेट बढ़ रहा है इंसान बुरा लग रहा है, उसके साथ साथ क्या है कि आपकी नी के अंदर जो है वो सारा प्रेशर यहाँ पे आता है तो ये नी का बहुत मसला हो जाता है, नी में जो है मुस्तकिल पेन रहने शुरू हो जाता है। इसलिए जब भी नी आपके पेन शुरू करें तो आप देखें आपका वेट तो नहीं बढ़ रहा, ठीक है। तो ये कि वेट को मेंटेन रखें ताकि आप जो है आपकी नी का जो है बचत हो सके, क्योंकि एक दफ़ा इसके प्रॉब्लम हो जाती है नी की बहुत मुश्किल होती है। तो इसके लिए क्या है खाने पीने में भी थोड़ा एहतियात करें, वॉक करें हल्के उसमें और ज़्यादा जो है, और झुकें जब भी कोई चीज़ उठाने के लिए तो हल्का सा नी को बेंड करते हुए फिर झुकें, ठीक है। ये तो दो इसकी एक्सरसाइज हो गई, और तीसरी वाली क्या है ये रखें इसको बेंड करते हुए यहाँ पे, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पानी की कश्ती में चप्पू हाँ। चलाते हैं हाँ बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। और इसी तरह से दोनों साइड से ये इस तरह से प्रेस करें, मैंने पहले बताया मैं बत्तख पोज हाँ, बिल्कुल बत्तख पोज बत्तख पोज, ठीक है। इस तरह से दोनों साइड से आपने इसको प्रेस किया, तो ये हो गया नी की एक्सरसाइज। और बहुत सारी एक्सरसाइज हैं जो अक्सर आपको बताती भी रहती हूँ, लेकिन आज थोड़ी सी ये डिफरेंट थी, ठीक है। और घर में करेंगे जब आप बैठ के तो आपको यकीन करें बहुत अच्छा लगेगा ये करते हुए, और आपको जो है सुकून भी मिलेगा। और थर्ड वाली एक्सरसाइज क्या है, कितनी मैंने 2 बता दी सर, ठीक है। और ये यहाँ पे मैंने रखा कुशन, इससे पतला भी बताई नी की बताई, अब जो है मैं ये भी नी बीच में ये भी नी की है, नी के बीच में नी के बीच में रखेंगे, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है नी में जब पेन होता है तो खास तौर से यहाँ ज्यादा खिंचाव आता है, ठीक है। इसके खिंचाव का मतलब ये है कि यहाँ पे हमारी एक्स्ट्रा जो हमारे जो बल जो बन जाते हैं यहाँ पे निकल आता है, हमारा एक्स्ट्रा जो है वो मसल्स जो है निकल आते हैं बाहर, तो उनको कम करने के लिए प्रेशर हम यहाँ से देंगे, ठीक है। इस तरह से प्रेशर देंगे और फुल इसको प्रेस करके रखेंगे, और इस तरह से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 होल्ड करके रखेंगे इसको और फुल प्रेस करके रखेंगे okay. इसको वो ये जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे जितना गुड़ डालेंगे हाँ, उतना मीठा बिल्कुल, ये वो वाला मीठा नहीं हाँ, कि जिससे शुगर वाला मीठा हाँ। तो ये कि कोशिश करें इसको प्रैक्टिस में रखें ताकि अपनी नी के पेन से आपको छुटकारा मिल सके और ये कि ज़्यादा आप एक्टिव हो सके, क्योंकि जब नी का पेन होता है आप ना सही चल सकते हैं, ना वॉक कर सकते हैं, और ना जिंदगी का मजा ना नीचे बैठ सकते हैं, ना नीचे बैठ सकते हैं, बिल्कुल ना मुश्किल हो जाता है, और गुट्टो की थी ओह बिल्कुल आप खड़े नहीं हो सकते, एकदम बैठ एज का तकाजा नहीं है किसी को भी हो सकता, बिल्कुल वेट बढ़ने की वजह से, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे वेट बढ़ने की वजह से, तो वेट को कम करें और ये सब चीजें साथ साथ करते हैं तो आपको अच्छा लगेगा यकीनन, है ना जी। और टिप विप क्या दे रही हैं आप? टिप का यही है कि नी के पेन के लिए, जैसे नी का बता रही हूँ, इसके लिए क्या है कि आप सूप पिया करें, और सूप किसका है तो कहने की बात है, लेकिन ये यकीन करें उससे जेली बनती है, उससे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो क्या है कि मुर्गी के जो पाए होते हैं ना, यकीन करें उसका सूप,
हाँ दिखाईगा नहीं किसी को उसको पिलाते हुए, लेकिन वो बहुत फायदेमंद है। पीजो और उसके अंदर सब्जियां ऐड कर लीजिए, उसको सूप उसका निकाल के और उसको साइड में कर दें, जो उसका जो स्टॉक बचेगा उसके अंदर आप सब्जियां मिक्स कर सकते हैं, थोड़ा सा फिर चिकन डाल के, ताकि लोगों को लगे कि भाई ये जिसको पिला रहे हैं उसको लगे कि जो है ये जो है मैं चिकन का सूप पी रहा हूँ या पी रही हूँ, ठीक है। तो ये इतने फ़ायदेमंद चीज़ है, उसको मतलब उसको फ़ायदा मिलेगा और आप जो है आपका काम जो है नी का भी मसला हल हो जाएगा। इवन जिन लोगों के जॉइंट्स में पेन है वो तो जरूर जो है इसको यूज करें। चले जबरदस्त, ठीक है। उफ 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 मेरे ख्याल जी हां ये थी तो आपाड़े में तो छड़े आ जे मां के तक खुशबू बात होतई, मां के खुशबू आई तपो मु चयो ओ तो के विसारण मुझे बस में ना है, मां मजबूर आया, मां मजबूर आया, तो के किया विसारया, मां मजबूर आया, तो के किया विसारया, तो के विसारण मुझे बस में ना है, मां मजबूर आया। इसका एक जवाब है, आशिक मजबूर आ बलके डोब कंधार कंधार जे पर जेडो भी कंधार जे गुल्ला जे सिरका काट जे गोभी पता गोभी ओ चंद्र जो टुकड़ो लगी तो अज त तू जाने तो मौला, जाने तो मौला, जाने तो मौला, जाने तो मौला, जेकी नेकी कभी वा कमी दी। हां आ तू नेकी जड़ी आ है मा सदको अजा है हे हे बाकी सा मा सा जे को ना पर अज आऊ डाड़े उन मुंडे में आया आऊ चा तो जो गोश्त जा फ्रिज भरे रख्या है फ्रीजर यार इनो गोश्त खा दी थुली हुली कौटी वई गोश्त तो खाई खाई दिसे थी उठा जे गोडे जड़ो मुजो मोती वियो ए घणो गोश्त भी न खाएगी लिमिट में आई है सुबह से जिक्र कर रही है कि मैंने गोश्त खाया गोश्त खाया मैंने गोश्त की ये चीज खाई है मैंने कहा क्या फ्रीजर में दांत भी दर्द हो रहा है ज्यादा गोश्त खाने से पता है ए तोखे भी खा रहा है मैं करेला है कीमो ओ आई आ गोठे में तो वरी यो बुनवा ना गोश्त सुकाए रखबो आ तो सुकाए बकाए रखो आ ठलो फ्रीजर में फ्रीज कयो दई यो पुराने दौर जो गालियो अन त गोश्त जे को आ ना फ्रिज नी बकाए रखबो अच्छा फ्रिज नी होती भाई उने करे फ्रिज थी वई आ फ्रिज नी होती थी ना पहले होता था ओके फ्रिज ना मतलब के कहते हैं कि जो सुका हुआ गोश्त होता है वो बड़ा जबरदस्त किस्म का होता है मेरे ख्याल से वो इन का वधिक टेस्टी थी है ना हमारी शेफ उनको पता है ये सुका हुआ है ना नमकीन गोश्त कहलाता है हां वो बहुत अच्छा बनता है और वो एक हफ्ते तक आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं चिकन वाइट कढ़ाई सुकल मानू जो मजो पे यो मुझे ख्याल में साइमा लाई लाई पियो एक्सरसाइज करे करे बेचारी पाण के सुकाए छजो लाइटिंग भी करे सुकल वणु सुचो आ ने यार जबरदस्त कसम असा के तो वणे पियो छजे असा के पाण एड़ो सुकल थेणो आ सो गुल्ला जे गोश्त जु गालियो त हलंदियो रहंदियो गुल्ला तू न वन जई तोखे आउ सडाई दस सो वणती साही ते वड़ी अच्छा साही ता सो थैंक यू माय वेरी मच जी तो वेलकम बैक वापस अची व्या आयूं असा डाडी मजाक मस्तियूं तांके त खबर आ
ब्रेक थी यानी कि साई खड़ा तो वही वही साइय वही खड़ा आयो कहीं ढो इंजॉय कर दिल तो ओडी मेल पहुंचती है वही प्रोग्राम में पर जी मैं तहाँ की याद इंदी तो यकीन कर चंदी यार तरसी पो थोड़ा मिली तो वा मिलण से मुख्य याद आयो चवंदा मिलंदा रहंदा क्यों कुछ कम अड़ा क्यों फ्री ऑफ कॉस्ट हुजन कें मदद थी वे कोई कम थी वन कें कुछ सेखारे छूँ ये सब शूं भी हर को को मू कहो खूबसूरत अंदाज से कर्फ पान कर बेन के भी सेखारी तो कम कि घुर्ज अड़ा ही एक मू अज असे खूबसूरत ड्राइंग रूम में कैप्चर क्या जहाँ आऊँ मिलाई तवे जी हाँ तुम्हें इंतजार नहीं कराया रमेश कुमार जिनके असा वेलकम था क्यों अस्सलाम वालेकुम सर की है ता ठीक ठाक वालेकुम सलाम सब ठीक ठाक जबरदस्त फर्स्ट क्लास जबरदस्त मेहरबान अच्छा ता के बुधाई दिया जको आ नाज़रीन मुझे व्यूअर्स के यो बुधाया ता सोशल वर्कर हन उने के अलावा फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग टीचर बन आई उने का हेड ऑफ क्लेस पार्क कतर फैमिली ये तकाफुल जा हेड बन आई गडो गड 14 साल का जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में कम कंदा रहा है हाँ ये 14 साल का डिफरेंट्स में कम कर ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ो सोचने जड़ी गाल छो एक तो होंगे यार कम न तो मिले इन मसलो वो कुछ बो अव यार एडो सो कम सुठे तो करी कुछ असा भी फायदो दे छा अच्छी असा वो वे कुछ असा भी कम कराए छो इन की पर्सनैलिटी अड़ी है जो इन सबको कैप्चर करना चाहिए जी हिंसर पीटी भी क्या जो फ्री लांसिंग हर कम कह हाँ थोड़ा इन की जर्नी इन वाता था बुध जी सर थोड़ा एक्सप्लेन कर किए क्या किए ट्रेनिंग्स दींदा प्लीज जी जी बिल्कुल सभी का पैं मुझे तालिक तो सो इंटीरियर सिंध के एरिया से है एजुकेशन उतना कंप्लीट कई उनखां पोए मां आयस कराची में उनखां फर्दर जेको आहे सो एजुकेशन मास्टर्स वग़ैरह हितां डिफरेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ मां जेको आहे सो अकम्पलिश कई जीअं ई एजुकेशन कंप्लीट कई त जॉब मिली वई बैंकिंग सेक्टर में उनखां पोइ कुझु साल ॿिया जेको आहिनि सो कया उनखां पोइ वरी कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ में इंश्योरेंस कंपनीज़ में ईअं जेको आहे सो जर्नी जेको आहे सो हलंदी रही जीअं तव्हां चयो त के माण्हू अहिड़ा आहिनि जेके जॉब ॻोल्हींदा रहंदा आहिनि पर असां लकीली ख़ुदा ताला जी जेका असां महिरबानी आहे त असांजा अपॉर्चुनिटीज़ अचनि थियूं बाय द पैसेज ऑफ द टाइम असां 14 साल जेको आहे सो एक्सपीरियंस वरितो तमामु सुठे नमूने सां हाँ असां जेको आहे सो एतिरो अचीव करे चुका आहियूं हाँ असां चऊं था नाउ इट्स टाइम टू गिव बैक टू सोसाइटी हाँ सोसाइटी खे बि जेको आहे सो तव्हां ॾियो त छो त काफ़ी अहिड़ियूं शयूं आहिनि जेके पाण इंटीरियर में जेको आहे सो ॾाढियूं मिसिंग आहिनि त कराची में हींअर रिसेंटली असांजी मीटिंग थी प्रेसिडेंट लोकल काउंसिल एसोसिएशन सिंध सां त भाउ ही प्रॉब्लम आहिनि जेके असां जेको आहे सो ॾिठा आहिनि जीअं एजुकेशन रिलेटेड आहे हेल्थ सां रिलेटेड आहिनि पॉवर्टी सां रिलेटेड आहिनि ज़ाहिरी ॻाल्हि पई आहे सभु शयूं ख़तमु कोन थींदियूं दैट इज़ इम्पॉसिबल पर तव्हां घटाए त सघो था न घटाए तव्हां पंहिंजी महिनत करे जेको आहे सो पंहिंजो 100% ॾेई करे पाण सेटिस्फाई थियो न बिल्कुलु ईअं नथो थिए राति राति मां चवां त सभिनी ॻोठ वारा एजुकेशन थी वञनि ऐं सभु पेरेंट्स जेको आहे पंहिंजे ॿारनि खे स्कूल मोकिलियो न बट इट विल टेक टाइम इहो जेको आहे टाइम लॻंदो कंदो सम्झाइण में करण में हींअर रमज़ान वारी ईद हुई मां वियसि ॻोठु नंढो हिकिड़ो ॻोठु हो ओॾां वियासीं त काफ़ी ॿार वीचारा ख़बर ई न आहे त जेका एजुकेशन तालीम बि का शइ आहे ओॾां वियासीं उन्हनि जे पेरेंट्स सां मुलाक़ात कई उन्हनि खे असां जेको आहे बुक्स वग़ैरह डिस्ट्रीब्यूट कया पेंस कलर्स वग़ैरह ॾिना त उन मां यकीन कंदो 30 ॿारनि मां 10 ॿार अहिड़ा आहिनि जेके वाक़ई शौक़ु ॾेखारियो त असीं पढ़णु चाहियूं था असांजी पढ़ाई करणी आहे पोइ नियर बाय जेके ॻोठु ॿियो आहे उन में जेको आहे सो उहे स्कूल में वञनि था ऐं हींअर उहे जेको आहे सो एजुकेशन ज़बरदस्त हाणे इहा त ॻाल्हि उहा थी वई जेको तव्हां विया वञी कैप्चर कयाव तालीम बि ॾिनाव सेखारियां बसि ट्रेनिंग्स ॾियणु ऐं फ्रीलांसिंग जेको असांजो असल मेन जेको टॉपिक आहे इहो फ्रीलांसिंग कीअं फ्रीलांसिंग तव्हां वेही कुझु लिखी सघो था कुझु कंहिंखे मोकिले सघो था कंप्यूटर माना व्हाट्सअप थियो या कुझु सोशल मीडिया ज़रिए पर फ्रीलांसिंग असल में तव्हांजे डिपार्टमेंट में ई इन कम में कीअं आहे ऑर्गेनाइज़ेशन में फ्रीलांस जो मक़सदु इहो आहे त जेको आहे तव्हां वेही करे किथे बि वेही करे कमु करे सघो था जीअं कोई न ॻाल्हि केरु इहो कमु कीअं था करे सघो इहो ग्लोबली जीअं तव्हां ॾिसो था हर शयूं हाणे सभु सिस्टमेटिक आहिनि हर शयूं इंटरनेट ते अवेलेबल आहिनि तव्हां वठो एग्ज़ाम्पल ॿिया जेके बि जेके आहिनि से ऑडियंस व्यूअर्स आहिनि अॼुकल्ह पाण मोबाइल खां सवाइ रही सघूं था न बिल्कुलु हींअर कुझु अरसो पहिरीं हींअर त जुलाई पियो हले पर जून में या उन खां थोरो बसि हिन दौरान जेको मोबाइल जी सर्विस बंदि थी वई हुनजी नेट जी तव्हां ॾिठो त माण्हुनि हिकु ॿिए खे जहिड़ा चक कया पंहिंजो पाण खे
छा हालत आ सा जी बिल्कुल बिल्कुल असा नथा हली सको असा कॉल से बगैर हली सकू था हाँ। नेट जे बगैर हाँ, मानी बगैर रोटी बगैर हली वेंदा हाँ। पर नेट जो नेट जे बगैर कोन लना जी बिल्कुल ये सिमिलरली यही सागी गाल है बारन सा बारन हुए रोटी वगैरह न खाइंदा माँ जो है सो मोबाइल दयो छे तो वो घर वेठे कि फ्रीलांसिंग कर घर वेठे ये तो इन्हें जिन से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ जिनसे कोर्सेस करना पवन था उन्हें कोर्सेस करने का कुछ प्लेटफॉर्म इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ये कोर्सेस थींदा किथे ये जिन से पाकिस्तान में भी थियन था इंटरनेशनल लेवल से ऑनलाइन भी थियन था यही चाहता ऑनलाइन भी कर सको ऑनलाइन भी जो है सो तुम कर सको घर वेठे जी काफ़ी हाँ जिन से सनी अली जो पाकिस्तान जहाँ कुछ अंसर हुसैन ये सब उए हैं जेकेन से फ्री लांसर हैं एंड दे आर द वन ऑफ द मिलियनियर ऑफ द पाकिस्तान नाउ एट द यंग ऑफ एट द एज ऑफ बिलो 30 इयर्स 30 इयर्स 35 इयर्स हाँ तो मैं इनमें अंदाजो लगा सको था तो ये जेकेन अच्छा यूथ देखिए जोर थी भैया डाड़ी माशाल्लाह जोर थी बिल्कुल इनमें कोई शक ना है अच्छा पेमेंट जो छा तरीके का है पेमेंट जो जी जो है सो तुम का प्रोजेक्ट्स वगैरह मिलता है जी प्लेटफॉर्म है जी तक बुधा कोई अपवर्क है पीपल पर अवर आए कुछ ये उन वही तुम्हें प्रोफाइल ठाओ था प्रोफाइल ठाण का जिन से स्किल्स जिन से जिन वो उनका कंपनी जहाँ मूँ एप्रोच कंदा एप्रोच करे सो कंदा बाबा ही कम आए जो तिन महीन जो है साल जो है छह महीन जो है उन हिसाब से पेमेंट जो है सो क्राइटेरिया है के $20 दियन था डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट के $100 दियन था तो वो पेमेंट है ऑनलाइन जो है सो ट्रांसफर थे थी उन अच्छा इनमें फ्रॉड भी लाई था थन स्पेशली पेमेंट के अला के हवाले से भी जिते पेमेंट जी इन्वॉल्व होंगी न उत्ते फ्रॉड कन्फर्म उन्होंने बचज तमाम सुठो क्वेश्चन है पर फ्रॉड जो एलिमेंट हाँ काफ़ी हद तक कंट्रोल थी चुको हाँ। यो ता यो बुधण में इंटरनेट सिक्योरिटी अच्छी वे है चलो ही तो वरी ऑनलाइन इंटरनेशनल लेवल ते है जेकरे ता पाकिस्तान में रही करो के बैंक में जको ऑनलाइन ट्रांसफर खाली करो उनते केतरी रिस्ट्रिक्शंस अची वेन बिल्कुल कंप्लीट अकाउंट नंबर होजन खपे अकाउंट नंबर ऐड गए उनका पोगड़ो पासपोर्ट तवा के इदो 5-6 डिजिट जो वो विजो पो ओके कंदा पो वरी पूछना माना सिक्योरिटी जेको है सो काफी हाई लेवल तई हां जेको है सो थी वई है पर हिकड़ी वो फ्रॉड है जेको तवा थोड़ो कंट्रोल नथा करे सको वो यो है त तवा सपोज केप डील कई उनका पो प्रोजेक्ट तवा डिलीवर कयो ए सामू वारो हमरा जेको सो मिस कमिटमेंट करे छरी त हां मा जेको सो न दीदस या जो है सो फॉर एग्जाम्पल डील थी $100 में मां $50 जो है सो पे कंदस तो वो फ्रॉड से उनते जो है कंट्रोल नथा करे सको चलो ठीक है पर उनके तमा जो है सो एकड़ी डील लिस्ट करे सको था पेंजा कमेंट्स देई करे प्रोफाइल सर्च की कजे प्रोफाइल सर्च आसान है उन प्लेटफॉर्म से वही करे तमा जो है सो अकाउंट ठहल है जेके तमा दिसो सर्च करयो बेस्ट जो है सो केड़ा जेके इनसे प्रोजेक्ट में बेस्ट केड़ा जेके इनसे डीलर वगैरह उनके जो ऑनलाइन सर्च करयो उनी पूरी डेटा मौजूद है ही जो है सो कदें का कम करे तो केतरो टाइम थी वो है केतरा केतरा प्रोजेक्ट हैं डिलीवर कया या ऑर्डर कया तो सजी ए टू जी इंफॉर्मेशन अच्छा पेंजी प्रोफाइल के बेहतर का बेहतरीन बेस्ट किए ठाए जे जबरदस्त अगेन तवा जा क्वेश्चन जे केन से डाडा भला हुंदा इन करे अच्छा कंटेंट हेड जी किया नो डाडी जबरदस्त असा पाण भी सर्च कदा हु भी सर्च कदा मिली करे चाइना हु त हाण तनी पूरी टीम वर्क हुंदो ना ना जबरदस्त जबरदस्त इन जो यो जको जवाब है जे तवा ड्यूरिंग प्रोग्राम में गाला है तो हर के मानू जी पेंजी पेंजी क्वालिटी होंगी exactly. को कम्युनिकेशन स्किल में सुठो होंगे को प्रेजेंटेशन में सुठो होंगे को बिल्कुल. लीडरशिप स्किल सुठी होंगे तो ये सब स्किल्स बेस्ड होंगे उनकी क्वालिटीज होंगे सिमिलरली ये ही इतने डिफरेंट जो इनसे ऑप्शन हैं यू हैव वेब डेवलपमेंट यू हैव द कंटेंट राइटर यू हैव अ ग्राफिक डिजाइनर एंड यू हैव द डिजिटल मीडिया तो उन सब में तवा में केड़ी शे में तवा बेस्ड रहयो वो जेको है सो तवा जेको सो पेंजी प्रोफाइल तवा जेको सो स्ट्रांग कंदा वो चवंदा कोने त एक हाथ में जेके इनसे ब टे गिदरा ना इंदा इन ते गिदरा कंदा त जेको सो क्री पौ न कुछ कोने अस उन गिदरन के कटिंग करे प्याले में बाउल भरे रखी छरी ना दी चनारी हर वक्त कांटोणी का खाइना दी मोड कर गिदरा हो जंदा हो त ई कंदी आ चनी छाई ब वणेम ती गिदरो ब वणेम तो पो जदी बई वणंदा त छड्या किथा पो जदी हन पासे गिदरो रखो हन पासे छाई गिदरा थी अच्छा हाँ ये तो मजाक पर अगर अगर सागाल ता कयूं अर्निंग जी अर्निंग स्टार्ट घट में घट केतरी हुजे अर्निंग चढ़ी वने वो केतरी हुंदी आ देखे चढ़ी वने त का लिमिट ना है छो त सब को चेंदो त जेत्रो घणो पैसो अचे वो जको है सुठो है ख्वाहिशा तो थोड़ी वधिक पूरी करना या पैदा करना सी पैदा करना सी हां तमा जो सवाल अचे तो घट में घट केतरो जदे त इनिशियल जको है सो ठायो था इनकम में अचो था
डिपेंड करे तो तुम्हारी प्रोफाइल चाहे तुम जो है स्टार्टिंग $10 $5 to $10 मिनिमम जो है सो तुम्हें होजन खे उन जरा प्रोजेक्ट तुम्हारा कम थींदा वेंदा तुम्हारी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग थी वे तो उसे $10 विद इन सर्टेन ईयर्स या विद इन सर्टेन इमिट्स कैन बी $100 इतने मैं रिलेटिव जो एग्जाम्पल दियां पो ये जो है फ्रीलांसर जो है सो है 3 years का करे पो इन स्टार्ट किया हो यकीन कर $5 का जो है सो स्टार्ट किया नाउ ही इज अर्निंग मोर देन $50 पर मंथ ऐं हिन खे एतिरा कम मिलिया एतिरो पंहिंजो स्ट्रांग जेको आहे सो कमिटमेंट अच्छा ख़ासि तौर ते ईअं चयो त वर्क टाइम केतिरो हुजे जो क्वालिटी बि बहितर थी वञे उहो तव्हां ते डिपेंड थो करे हिकु माण्हू चवे थो जेको आहे सो मां साल में हेतिरो कमु करे सघां थो हेतिरा मूंखे खपनि कुझु माण्हू चवे थो ऐं रिलेक्स थी जेको आहे सो कमु करियां इहा शइ कोन्हे प्रोफाइल सां मुराद आहे या पंहिंजो वर्क सां मुराद आहे कमु कमिटमेंट आहे पोइ उहा चाहे कलाक जी हुजे या छह कलाक जी छह कलाक जी तव्हांजे मथां आहे तव्हांजे मथां आहे ऐं बेस्ट शइ कहिड़ी आहे हिते जेको आहे सो तव्हांजी फ्लेक्सिबल टाइमिंग आहे तव्हांजो को बॉस वग़ैरह कोन्हे तव्हां पंहिंजे हिसाब सां जेको आहे सो कमु करे सघो था जेॾी महिल पाणी सभु कुझु आहे बसि साम्हूं वारे चयो भाउ हीउ प्रोजेक्ट मूंखे 6 महीननि में खपे हाणे तव्हां ते डिपेंड थो करे तव्हां सुबुह जो करियो तव्हां राति जो करियो तव्हां शाम जो करियो अच्छा एडवांटेजिस जेके आहिनि फ्रीलांसिंग जा केतिरा हूंदा आहिनि इहो ॿुधायो सभिनी खां पहिरीं एडवांटेज इहो आहे त कंहिंजी सुहिणी सिंधी में चवंदा आहिनि चिक चिक न आहे मथे में सूर न आहे कंहिंजो सुठी ॻाल्हि करे छॾियां हा इहा होस्टिंग घरवारी जेकी शुरू थी आहे उहा बि सुठी आहे पर छा कयूं चैनलनि जा आबादी सही त बसि कहिड़ी कोन्हे जीअं पाण पहिरीं डिस्कस कयो त को बॉस त आई कोन तव्हां पंहिंजे हिसाब सां कमु करियो रिलेक्स थियो मंडे टू फ्राइडे करियो सेटरडे संडे सिर्फ़ु करियो ऐं ॿियो एडवांटेज आहे जेतिरो तव्हां वधीक अर्न करणु चाहियो था ओतिरा वधीक तव्हां जेको आहे सो हुन में इन थियो त इहो जेके आहिनि से मेन जेके आहिनि से एडवांटेज जेके आहिनि से थी सघनि था अच्छा चइजे न त अगरि वधीक हाणे इन खे आहे त उहो ई साॻियो ई सुवालु पर इन तरीक़े सां अगरि असां इलाही कामयाबी हासिलु था करणु चाहियूं त छा असांखे टाइमिंग घणो ॾियणु खपे या टाइमिंग वधीक ॾियणु खपे माना कमु घणो करणु खपे इहो त पहिरीं जॻह ते पर जे अगरि ॻाल्हि था कयूं त बुनियादी हुन जूं कहिड़ियूं शयूं जंहिंजो असां कामयाबु थी वञूं मेन पॉइंट्स टाइम बराबरि न ॾियूं पर ॾियूं त पंहिंजो क्वालिटी टाइम ॾियूं सही त उहो कीअं हुजे इन खां पहिरीं इहो आहे त तव्हांखे हिकिड़ी शइ में स्ट्रांग वठो तव्हांजी एक्सपर्टीज़ हुजे जेकॾहिं तव्हां वेब डेवलपमेंट आहियो त तव्हां वेब डेवलपमेंट ते एतिरी पावर जेको आहे कमांड हासिलु करियो ऐं जेकॾहिं ॿिया अञा एक्स्ट्रा इंटरनेशनल कोर्सिस वेब डेवलपमेंट ते त उनखे वधीक तव्हां पंहिंजे पाण खे चवंदा न जेतिरो वधीक पकाईंदा ओतिरो वधीक तव्हांखे फ्रूटफुल रिज़ल्ट मिलंदी जितना गुड़ डालो उतना मीठा त बजाए 5-6 शयूं खणण खां तव्हां हिकिड़ी शइ में पंहिंजी स्ट्रांग जेको आहे सो एक्सपर्टीज़ वठो ऐं ॿी शइ इहा आहे त तव्हां जेको आहे सो नॉलेज गेन करियो तव्हांखे इंफॉर्मेशन हुजे तव्हां लिंक्स जेके आहिनि से क्रिएट करियो इन ई प्रोफाइल ते काफ़ी माण्हू वेठा आहिनि के माण्हू अहिड़ा हूंदा चलो ॿ टे प्रोजेक्ट मिलिया ठीकु आहे न तव्हां कंटिन्यूअस जेको आहे सो लिंक कॉन्टेक्ट सॼी दुनिया आहे उन प्लेटफॉर्म्स ते त जेतिरा वधीक तव्हां कंदा उनखां वधीक तव्हां लिंक्स ठाहींदा तव्हां कॉन्टेक्ट जेको आहे तव्हां पाक कतर फैमिली तकाफ़ुल जा हेड भयो उन जे हवाले सां थोरो असांखे ॿुधायो उन ई में जेको आहे सो मुंहिंजो कमु जेको आहे सो मैनेजमेंट साइज़ आहे पीपल्स मैनेजमेंट वर्क रिलेटेड तव्हांखे ख़बर आहे न हीअ इंश्योरेंस कंपनी आहे जंहिंमें जे माण्हू जेके आहिनि से इंश्योरेंस वग़ैरह वठंदा कंदा आहिनि ऐं उनखां पोइ जेको आहे सो ख़ुदा न ख़ासा जंहिं मां डिपार्टमेंट खे हेड पियो करियां उहा आहे क्लाइंट सर्विसिस ऐं क्लेम्स डिपार्टमेंट त काफ़ी माण्हू जी रिज़र्वेशन्स हूंदियूं आहिनि हीउ कमु न थियो हू न थियो असां सां फ्रॉड थी वियो असांखे जेको आहे चयो वियो त हीअ पॉलिसी या हीअ बेनिफिट्स ऐं न मिलिया या ख़ुदा न ख़ासा कंहिंजी डेट थी थी वञे उनखे बेनिफिट्स कहिड़े हिसाब सां जेके आहिनि उहे तव्हां वटि ईंदा आहिनि माण्हू जेके अॼु पंहिंजी इहे पॉलिसीस कराईंदा आहिनि आमतौर ते जेके पाकिस्तानी ईअं रहण वारा आहिनि या न जेके तुर्की पिया वञनि ऐं जेके पाकिस्तान में माना इन्हनि जो जेको आमदोरफ़्त जेकी थिए थी उन जे हवाले सां हूंदो आहे सभिनी जे लाइ सभिनी जे लाइ पोइ त हिकिड़ी मेन पॉइंट अॼु असांजे तव्हां हेॾो सुठो टॉपिक छॾियो आहे जंहिंमें असां चाहींदासीं त तव्हां असांखे इहा पॉइंट बि ॿुधायो त पॉलिसीस आम तौर ते हिकिड़ा वेठल घर में माण्हू हूंदा आहिनि या हस्बैंड वाइफ उहे कहिड़ी कनि जंहिंमां हुनखे फ़ाइदो थिए जे हुनजो ॿारु सुभाणे अलाह न करे को एक्सीडेंट आहे या का अहिड़ी ॻाल्हि थी थी वञे माउ पीउ ॿई नथा रहनि त उहो ॿारु डिस्टर्ब न थिए इन में बेस्ट खां बेस्ट जेकॾहिं आहे पॉलिसी त जेको आहे सो एजुकेशन पॉलिसी आहे ओके त इन ई एजुकेशन पॉलिसी में इहो हूंदो आहे त तव्हां सपोज़ पॉलिसी वरिती सपोज़ मां पॉलिसी वरिती ऐं नॉमिनी कयो मूं पंहिंजे नंढड़े खे गार्जियन कयो मूं मुंहिंजी वाइफ खे ख़ुदा न ख़ासि ॿ टे टिनि सालनि खां पोइ ॾे थी वञे त पोइ कंपनी छा कंदी त उहो पॉलिसी कंटिन्यू कंदी ओके माना सपोज़ 20 सालनि जी पॉलिसी हुई 4 साल जेको आहे सो मां ॾिना
16 साल कंपनी मुझी जगह ते पैसा दींदी रहंदी जो जो इंसान वो एक्सपायर थी चुका है तने करे उन जी जगह ते वो कम कर दिया या पॉलिसी एजुकेशन के हवाले सा बडी सिटी हुंदी है पर जे अगर अफोर्डेबल आई कुछ करे सके तो वो इए करे जो एकडी ब पॉलिसीज या सुठी वाली एकडी एजुकेशन सा गड वाली मिक्स में थी सके थी वो आप थी सके थी बिल्कुल मल्टीपल ऑप्शंस हैं डिपेंड करता के मानु चवंता असा सिक्योरिटी कपे के मानू चवंता असा के इन्वेस्टमेंट कपे असा रिटर्न सुठो मिले बिल्कुल त हर पॉलिसी जी अलग अलग जको सो बेनिफिट पर जकी मेन आ वो एजुकेशन ही उनके सपोर्ट आ बार ला स्पेशली जकी माइट मुमन चाइना न त कयूं डाडियूं सुठियूं डाडियूं इंफॉर्मेटिव गालियूं कयूं थावा दिल त कोंदी चाहे छो जे असा चाहियूं ता अन्या गाली कोई अन्या पुछू पर ता के सा वरी इन पॉलिसी दी गाल ता अचानक कई त उने ता चोदा ये सवाल अचानक बस हम ठई विना ता जड़ी गाल डी पॉइंट बुदनायो तो चंदायो तो जान वठू ए जान ब्यूं सही गाल पाकिस्तान टेलीविजन यानी कि पीटीवी जो यो कमाल रहयो आ तो वो इंफॉर्मेटिव आई वद का वद इंफॉर्मेशन मानन ताई असन व्यूअर्स ताई पहुंचाइना छो छो जो अवेयरनेस थे असन जो मुल्क तरक्की करे अग्या वदे सो यो असन जी एकडी मुल्क जी प्रायोरिटी बा आई क्वालिटी बा सो चाइना सी त विंदे विंदे ता को अगर मैसेज देन चाहो मैसेज बस यो ही है त जको सो सुठो इंसान थियन जे लाए तवा पेंजे पान सा जको सो सुठी कमिटमेंट रखो तवा जको सो लाइफ में जको अचीव करना चाहो ता गोल तवा जके ऑब्जेक्टिव्स रख्या हैं उन सा सिंसियर थियो पेंजी फैमिली सा पेंजी सोसाइटी सा जेत्रो तवा करे चुका हो अर्न करे चुका हो नाउ इट्स टाइम टू डू समथिंग फॉर द अदर्स छो तो तवा अल्लाह साईं जको यो ही चवे तो तवा बेन जेला जेकडे सुठो कंदा तो अल्लाह साईं ऑटोमेटिकली तवा जेला जको सो जबरदस्त तो बस इए ही जको सो खिलदा रहो मुस्कुराईंदा रहो ऐं जेको आहे सो पंहिंजी केॾी सुठी ॻाल्हि कई मूंखे त ईअं लॻे थो प्रोग्राम ख़तमु थी चुको आहे मुंहिंजो एक्स्ट्रो जेको आहे न सर ॾेई छॾियो आहे सो सर वाक़ई ज़बरदस्त ॾाढी सुठियूं ॻाल्हियूं तव्हांखे होस्ट बि थियणु खपे छो ॻाल्हियूं इंफॉर्मेशन ॾाढी सुठी तरीक़े सां पहुचाईंदा आहियो सो थैंक यू सो मच त पोइ सर खे वरी कैप्चर कंदासीं सो वञूं था नंढी साईं तरफ़ वरी वापसि था अचूं नए गेस्ट सां गुलड़ा टड़न था जडे सिज थो भुरे त गुलड़ा टड़न था भुजान मारंग डाढा वड़न था भुजान मारंग डाढा वड़न था भुजान मारंग डाढा वड़न था मॉर्निंग पीटीवी नेशनल मॉर्निंग पीटीवी नेशनल जी वेलकम बैक खुशबू बर्दाश्त न करण दिनो ता उन सीट ते वया चैम त शाइना का वनी पूछा शाइना खुशबू इतनी प्यारी और इतनी जबरदस्त आ रही है कि मैं क्या बात कहूं चलें क्या तो करें क्या हुआ खुशबू आ रही है भाई कढ़ाई तो हमारी तैयार हो गई है ओके अच्छा जब भी हमें क्रीम डालनी होती है ना तो उसको चूल्हे पे से हटाना होता है अच्छा चिकन हमने बिल्कुल टेंडर कर दिया बिल्कुल पका दिया बिल्कुल गला दिया है अब हमें जस्ट क्या करना है हमें जस्ट ये करना है कि हमें जो है वो इसमें क्रीम ऐड करनी है तो जब अच्छा वहाँ आपने क्या रखा है ये वहाँ पर मैंने पैन रखा है उसमें मैंने 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाला है क्योंकि मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा हमने गोश्त खा लिया तो कुछ वेजिटेबल्स भी होने चाहिए तो यहाँ पर हम सौते करेंगे वेजिटेबल्स को और झटपट से मैं इसके अंदर ये प्याज ये शिमला मिर्च और ये टमाटर ओके ये डाल के इसको जस्ट मैं इस तरह से मिक्स कर लूँगी ठीक है अच्छा जब तक हम इसको 1 से 2 मिनट सिर्फ करते हैं ज़्यादा कुक नहीं करते यहाँ पर हम क्रीम ऐड कर देंगे ओके तो ये क्रीम मैंने ऐड कर दी है ओके इसको ऐड करके आपने मिक्स करना है और मिक्स करके आपने इसको इसी तरह छोड़ना है अगर हम इसको हाई फ्लेम पे डाल देते हैं तो ये क्रीम फट जाएगी बिल्कुल और इसका ये कलर नहीं आता क्या बात है तो यहाँ चाइना भी हमें पागल करके ही छोड़ेंगी ये कह रही है कि मुझे नहीं ऐसे चलना तुम लोगों को सब पूरी टीम को पागल करना है खिला खिला के चलिए ये हमारी वेजिटेबल्स भी सौते हो गई हैं वेजिटेबल्स को कभी भी ओवर कुक नहीं किया जाता exactly. वरना उनकी गज़ाइयत खत्म हो जाती है कच्चापन रहता है क्रिस्पी बन रहता है तो बड़ा हाँ. अच्छा लगता है तो हम इसको निकालेंगे अपनी प्लेट में ग्रेजुअली मैंने इसको अभी डाल दिया है साथ साथ हम यहाँ पर मिलाई हांडी को अपनी निकालेंगे इसमें ओके क्या बात है क्योंकि ये गर्म थी तो ये झटपट से बिल्कुल मिक्स हो गई है ओके साथ साथ हम इसमें थोड़ा सा ये कोरिएंडर यस हरा धनिया धाणा धाणा सुका होना है तबरी ब्या होना है सावा सो ही है सावा तो आयो में बजे ना सुकन सा सावा त सड़ंदा ही है या त कनी गल आए कोन
और जब भी गोश्त बनाया करें तो साथ साथ कोशिश किया करें कुछ सैलड ले लें, कुछ वेजिटेबल्स ले लें, सौते करें। इसके साथ हम किसके साथ खाएं, चपाती के साथ या नान के साथ? इसको व्हाइट जो गार्लिक नान होते हैं वो भी इंशाल्लाह मैं किसी दिन यहाँ पर रेसिपी बिल्कुल सिखाने वाली हूँ। सो थैंक यू सो मच। अब हम आपको भी खुश कर देते हैं, ऐसी बात नहीं है। आज असा डाढ़ा खूबसूरत, डाढ़ा हसीन, डाढ़ा जबरदस्त जिके मेहमान मौजूद हैं, वे मेहमान एड़ा ही डायरेक्टर असा कैप्चर किया है, तमाम बेहतरीन सिंगर भी गड हैं, पीटीवी खाई उन्हें जो स्टार्ट हो पो निजी चैनल से उते जा हेड बन इन वक्त यकीनन बब टेटे चैनल जिन जा जान हिकड़न जाई तो उन्हें जा अगर हेड हूँ तो घट गाल तो कौन हूँ न उन्हें तो सोचे समझे कैप्चर क्यों हों। सो आउं उन्हें मिलाईंदी सुणी वा तो कहें काशिफ आघाणी अस्सलाम वालेकुम सर की हो तां ठीक ठाक फर्स्ट क्लास अल्लाह करम जबरदस्त डाडा मशाला आज रिलैक्स पे लगो तो इलाही कम के हां थोड़ो जो ईद बताजी गुजरी आई दे दौरान बड़ी रिकॉर्डिंग घणी हुई हूं जी बिल्कुल सही है रिकॉर्डिंग्स काफी हुई हूं और रिलैक्स में हमेशा रहंदो आया आए या तानी तबीयत इकड़ी बेचारा या क्वालिटी हुंदी हर के जी क्या क्वालिटी कोन हुंदी जी इने सा गडो गड असा टिकड़ी खूबसूरत प्यारी सी जकिया कोड़ी कुड़ी न कोड़ी तो ये कोड़ी छो पियो किए पियो छाजे लाए कोड़ी जो मकसद छा है मतलब छा है सब बुधाइंदियो असा के जिन जो तालुक पीटीवी सा है आई उनी का पोनी जी चैनल से भी डाडा सोना सोटा कैरेक्टर्स के आतन। सो वेलकम दा कयूं असा जी प्यारी आर्टिस्ट तैयबा उमर अस्सलाम वालेकुम उर्फ कोड़ी है ना इकड़ी पहचान जकी थी जे पहचान जकी चंदा है ना वो पै जी भैया। सो किए पे लगे नहीं सुठो पे लगे है ता कि यो खुश है यो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त मजे सा समझ जो ता आज मखे इनवाइट करवा है पान सा गड बियारो यो मुझे ला वडो प्राउड थैंक यू सो मच जी। प्रोग्राम जो आगाज छु ता कई जको हुई आगाज थी चुको आ कुछ गालियों एड़ियों जके असा काशिफ भागा कंदासी आई उनके मुझे अंदर सा रिलैक्स है तो रिलैक्स मानू खान रिलैक्स सवाल कजन किए शौक पैदा थो तो मुझे डायरेक्शन में वनो यो तो चंदा दिमाग खराब था ता जो थदे मिजाज जो थदी तबीयत वो मू एडी गड़बड़ वे माहौल में शायद अड़े मानू की घनी जरूरत होंगी है न हाँ ये भी सही है सही पी चवा बेसिकली तो मैं इंजीनियर आया वाओ जी हां मैं बी कर इलेक्ट्रॉनिक्स में वो मैंने फील्ड में मतो कपाण अची गया था मेनो क्रिएशन सा जो है इंसान के लगा हो तो इने में कोई शक कोने लिखण बुधण इन जो मके शुरू का शौक मौसी की आडी बुद्धिया मतलब डिफरेंट म्यूजिक एक्सप्लोर कयो बुद्धवा जेमला ता जो इनपुट सुठो हुंदोआ ता जो आउटपुट सुठो हिंदोआ काशे ता अगर सुठी करण चाहो था सुठो गालण लाए सुठो बुधण तमाम जरूरी आ बिल्कुल सही ता जो सुठी फिल्म ठाण लाए सुठी फिल्म दिसण तमाम जरूरी त मुजो तमाम सुठो एक्सपीरियंस मूवीज दिसण जो प्रोग्राम्स दिसण जो जो का म्यूजिक बुधण जो हने वो सब शय जेमला ता इनपुट वो आउट भी त काते थे ना हां ता अंदर में एकड़ी जो को एकड़ी एड़ी शय पैदा पी थे त मैं इंजीनियरिंग त करे वती आ पर मुझे दिमाग इन खा वधिक इन में तो लगे हां तो मुझे दिमाग जो का मास कम्युनिकेशन तरफ घणो की मैं न्यूज़पेपर में भी कम कयो माशाल्लाह मन के खबर हुंदी हां जबरदस्त तो पो मैं मास कम्युनिकेशन वाले साइड ते हल्यो आ न्यूज़पेपर में हल्यो आ न्यूज़पेपर का पो वरी मके अपॉर्चुनिटी मिली टेलीविजन में अचने जी उन वक्त प्राइवेट चैनल सिंधी नवाना खुलन पे उते मैं अप्लाई कयो उते एजुकेटेड मानू भी दिठन उन इंटरव्यू ता थिंदा इन ता जो अंदर जो व्यू सज दिसंदा बिल्कुल उन का पो म्यूजिक चैनल अचे पियो एक प्राइवेट उन जो मखे एज अ हेड रखन जो मखे म्यूजिक जी तमाम वधिक बिल्कुल जान हुई इन कर पो आस्ता 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 उने शय में डायरेक्शन की तरफ पूरी सिंगिंग द सिंगिंग जो भी तरीका शो को नंडपण खाई हो दिसो सिंगिंग राइटर सिंगर जेको भी मानू हुंदो या एक्टर वो के कोई ठाए न तो सके ये ता में बिल्ट इन क्वालिटीज हुंदी हो अल्लाह सही तरफो ता में सब विधला हुंदी छे उनके प्लेटफॉर्म जी जरूरत हुंदी आ अई उनके पॉलिश करने जरूरत हुंदी उनके को मानू उनके सुन्याणे पॉलिश करे असा सिंध जो तमाम बेहतरीन सिंगर अल्लाह सही उनके जन्नत में जगह दे आमीन मास्टर मंजूर साहब बिल्कुल वो एक दफो असा जो ऑफिस आया विजिट कर त ई मा झुंगारिया में पांजे लेके उनन जो एको गानो त उनन जो तुजी वॉइस क्वालिटी डाडी सुठी आ तुजी वॉइस में बेस आ तू सिंगिंग शुरू कर तमाम सुठो दोस्त असा शायर वही धकड़ो तमाम सुठा गीत उन लिखियान
उन भी मुख्य सिंगिंग स्टार्ट करो गानो रिकॉर्ड के शाम जो दिलकश उस्ताद जे बगैर पेरी स्टार्ट करे छियो मुझे उस्ताद कोई हां वही ते चवा थी शुरू थी गा तो भाई मुझे आवाज सुधिया बस मुके बुधण भी सिखणा हां ए यो वडो उस्ताद आ अंदर ता जो अंदर जे को उस्ताद आ ओड़ो को उस्ताद कोनी प्रॉपर मा सिखिया के खा कोन होती आ तब माशाल्लाह एडा मशहूर हो एडा सुठा गाना गाया ता काशिबा का गाना भी बुधना थी पर पेरी कोड़ी खा पछु ते ये कोड़ी मतलब कड़ो गलन या कुड़ी यो छा है मतलब थोड़ा बुधायो सारे व्यूअर्स के छोटी लाबी एकरो टाइम थी हाँ। पर कैरेक्टर याद हाँ, है बिल्कुल सारा पहली गल तो मां बुधाई ला तो मुझे स्टार्ट पीटीवी सा थियो हां इने में कोई शक कोने पीटीवी स्टार्ट शुरू में छ तो मां एक ब्यूटीशियन भी आया वाओ आई मेकअप आर्टिस्ट भी रही चुकी हां 5-6 साल मां उर्दू मीडिया जे उनसा मां रमजान में छुते ते पीटीवी ते नन्हा नन्हा ड्रामा जे ठांदा ने सो मुखे कह चयो त यार ता एक्टिंग भी करे समझो एक्टिंग मुखा त कान थी एक्टिंग करी कई कोने हां मु करे कई कोने वडी गल तो सोची भी करे कोने तो पो स्टार्ट मां पीटीवी कई वतो उने का बाद में जे मुजो कम हो एज ए मेकअप आर्टिस्ट मां काया पे त जे प्राइवेट चैनल ब्या जे के ने उते मुखे जो डठों त उन्हनि खे शायदि मुंहिंजे लाइ फेज़ अहिड़ो आहे या अलाए वॉइस क्वालिटी मुंहिंजी अहिड़ी आहे कढणु घुरिजे ज़ोरीअ मूंखे जेको आहे उहो एक्टर ठाहियो वियो खतरनाक कैरेक्टर हाँ कमी अड़ो याद एक्टिंग एकड़ो तो इंसान हुंदो न त शौक हुंदो सिंगिंग से थोड़ो घणो आहे रूहानी एकड़ो लगाओ हाँ लेकिन चंदन मानु कम कुछ कंदो आ थी कुछ भी हां इए बंदो आ इए बंदो एक्टिंग एकड़ी त हुंदो आ न पंजो शौक हुंदो आ न मुखे किथे भी को शौक न हो लेकिन जदे मा कैरेक्टर कयो तो पूरे हिंद में सिंध में ताके खबर आ कोड़ी कोड़ी पूरी सिंध में कूड़ी कोड़ी कोड़ी थी कूड़ी कोड़ी इदे कूड़ी अलग अलग दा कोड़ी माना कोड़ो कड़ो गालण कोड़ो गोठाणो मैन जो नालो आए माना रुको गालण कोड़ी मुके त ये खबर पे मुझे पण मिठी भी कया हां मतलब कोड़ी कोड़ी थी वे ताण को मिठी जे नाले पर इए कोने कड़ी कड़ी को कैरेक्टर गोठणे सीन का चढ़ी विंदो आ केर सभी समूह ठाए छे पर मशहूर कोन थी तो मेडिकल डायरेक्टर साहब असा के वधी के बारे में बुधाईंदा तो देखे जो नसीब लिखल हो सुठी एक्टिंग हो तो वो एक सीन का छड़ी हाँ। ना है चढ़ो तो अलग के इंडिया में फिल्मों पे करे वो करेक्ट नंढन नंढन रोल्स में बिन मिनटन जा टिन मिनटन जा वो नेठला से उनकी बुद्धि वो नंढा रोल एडा उन परफेक्शन से क्या जो पाड़ेसरी मुल्क उनके कैप्चर करे वो जबरदस्त सुठी गाल ही होजन खपे हाँ थोड़ो रूह के राहत दीजिए जो रूह की गिजा खाधो जरूरी है न हाँ वो खाइंदी पर काशिफ आयो बुधायो को गाराइंदी इतने चयी गाराइंदी चे यो लाइव जो मजो ही पो अस मॉर्निंग शो में लाइव न हो जाए यो थी न तो सके काशिफ भा जे गानो न बुधूँ थी न तो सके बुधाइंदो तक पहले गानों बुध शाम जो दिलकश नजारो तुए माँ वाह जो मुझो तमाम फेमस थो जैमाल इतने आयम तो म्यूजिशियन तमाम कमाल जेके खान साहब कीबोर्ड ते हैं जेके खान साहब ढोलक ते हैं खुर्शीद भाई महमूद भाई कुर्बान भाई वाला खुर्शीद भाई कुर्बान भाई सही तमाम खुशी थी इन सा मिली तो जो जमाल ता के क्रिएटिव मोन सा मिलता हूं ना ता वाह क्या अच्छा गाल कई था मैं जबरदस्त पर अस तस्वर ये कना थी शाम जो कोनी सुबह जो पहर मुझे व्यूअर्स भी यही कना सुबह जो पहर था सोच में सही पर ता वो तस्वर करो फजर जो को पिरी प्यारो अन्या विसरे न थो सोच मुझी अमा सफा निकरे न थो शाम जो दिलकश नजारो तू ऐं मां शाम जो दिलकश नजारो तू ऐं मां समुंड जूं छोलियूं किनारो तू ऐं मां शाम जो दिलकश नजारो तू ऐं मां शाम जो दिलकश नजारो तू ऐं मां
समझ जूं छोलियूं किनारो तू ऐ मां चाहे जो लाइव आ कट बने ता करे तो पर सच बुदायो सच इनु जबरदस्त वाकई दी जबरदस्त बेस आऊं ने इयो भी सवाल सोचा कुड़ी या कोड़ी तैयबा प्यार सा हण तैयबा चास तैयबा तैयबा त काशिफ छा सुठा है डायरेक्टर डायरेक्शन में कम न कयोआ पर डिठी हो थोड़ी गणी सिंगिंग बुद्धि आए स्पेशली वरी कोड़ो गैप अची दो वरी काल रिकॉल थी गाल तो ॾिसो न तव्हां हिकिड़ी बुक पढ़ंदा आहियो उनखे हिकिड़ो दफ़ा पढ़ंदा आहियो तव्हांखे सम्झ में थोरा साल ॿ गुज़रंदो आहे तव्हांजी एज में या उनमें फ़र्क़ु थींदो आहे वरी तव्हां उन शइ खे पढ़ंदा सोचण जो नज़रियो ई अलॻि हूंदो आहे पहिरीं मूं ॾिठो कयो त हिकिड़ो ॿियो नज़रियो अॼु आउं मॉर्निंग शो थी कयां त उन नज़रिए सां थी ॾिसां उन नज़रिए सां थी ॿुधां त उहा शइ यार छा ॻाल्हि आहे न ईअं जीअं हाणे काशिफ चयो न त गॉड गिफ्ट बि वाकई अलाह साईं कुझु माण्हुनि खे वाकई गॉड गिफ्टेड ठाहींदो आहे उन्हनि जी अलाह घणी तव्हांजी आवाज़ पोइ वरी इहो तव्हां कंदे पोइ तव्हां चओ त डायरेक्शन अच्छा पोइ सिंगिंग ऐं डायरेक्शन खे कीअं मैनेज कंदा आहियो फील्ड साॻी आहे न तकरीबन आहे त फील्ड साॻी इन खां अलावा वॉइस ओवर्स बि मां कंदो आहियां ओके ठीकु आहे लिखंदो बि आहियां कॉन्टेंट बि लिखंदो आहियां मुंहिंजी शइ आहे उमर शरीफ़ वांगुरु मुंहिंजी शइ लिखियलु आहे पाण कयां पाण बि करायां तॾहिं मज़ो ईंदो
जेके भी मुजा प्रोग्राम हलंदा आहिनि केटीन ता ॾिठा हूंदा उन्हनि जा तकरीबन कॉन्टेंट राइटिंग मां पाण कंदो आहियां उन जा प्रोमोज ऐं स्क्रिप्ट बि मां पाण लिखंदो आहियां मां घटि ई कंहिं राइटर खां लिखाईंदो आहियां ज़बरदस्त आहे छो जो जेकी तव्हांजी सोच हूंदी आहे मूंखे हिनखे खणणो आहे हिन सां हीअं कराइणो आहे त उहो मूंखे पाण लिखणो खपे जो कमर्शियल बि मां डायरेक्ट कयां त कमर्शियल जा बि स्क्रिप्ट मां पाण लिखंदो ज़बरदस्त माना मल्टी टैलेंटेड आहियो अलाह साईं महिरबानी आहे कंहिं माण्हू खे अलाह साईं हिकिड़ो दरवाज़ो ॾींदो आहे कमाइण लाइ हुनजी एतिरी बाह जहाज हुन मूंखे थोरा सारा दरवाजा आहिनि किथां न किथां मुंहिंजो सिस्टम हले थो छो जे वाकई सही ॻाल्हि आहे जे चवंदा आहिनि न जे अगरि तव्हां में क्वालिटी आहे तव्हांजा दरवाजा किथे बि बंदि कोन थींदा ऐं कॾहिं कॾहिं असांखे ख़बर न पवंदी आहे असां पाण खे त जज नथा करे ॾिसण वारो असां में उहे शयूं कुझु माण्हू हूंदा आहिनि न जीअं उन्हनि खे मिसाल होस्टिंग ॾिजे होस्टिंग करे सघनि था कुझु सिंगिंग था करे सघनि बिल्कुलु उहे सिर्फ़ु सिंगर आहिनि बिल्कुलु डायरेक्शन अला साईं मूंखे ॾिनी सिंगिंग मूंखे ॾिनी राइटिंग मूंखे ॾिनी वॉइस ओवर छा खपे चार पंज बच्चे की जान लोगे क्या इतना तो खरी लेता हूं मैं जितना शुक्र है जनो तो घट बेशक वो चंदा है ना दुनिया एक दरवाजा बंद कर दिया पर अल्लाह 100 दरवाजा खोली दुआ इने में कोई शक कोने जो अस तैयबा का था पूछो तैयबा मशरत पीटीवी का स्टार्ट थी वो ता ड्रामा अब किया पो और का प्राइवेट में गया उनी का पो यो कैरेक्टर एडो मशहूर थयो छा कदी वरी दिल में उमंग थी ते एडो ही वरी को बियो कैरेक्टर के मां छोड़ के आ ना वो तो छाप लगी हो बस छाप ता सुल्तान राई वरी यो ही मां कंजे विलन जाई वो तो मां खोड़ के आ विलन ते भी मशहूर तो थे मानू वो हर के जे बस जी गाल कोने चकड़ो मानू पॉजिटिव जे पर उनके नेगेटिविटी आ कड़ा पर असा जी जेको पांजी नेचर मुजी है वो थोड़ी फनी है हां काशिप के ने पे चो यार मुजो एक शौक है तो मां फनी को कैरेक्टर के लेकिन सिटकॉम वगैरह टाइप ता जे दिसण वाला जे केन वो ता के बस दिसन तो तैयबा यो कोड़ी थी सके थी इकम हन मु आरो कयो आ हां त उहे जो के आयो वो प्रेजेंट थी मानो ये हुने ला स्पेशली पाण के कैरेक्टर इने मथा हावी करनो तो सो अन्या सुधी त ये कई पे नेगेटिव अगते दिसु अग शौक ता है शौक रखण बगुरजन शौक मरी आ न बस चवां थी मां जो को फनी है हां फनी तबीयत जी है तो मरी विना सी बिल्कुल यो करण खपे हन रिसेंटली ता हन केड़ा प्रोग्राम्स पे मां खोल के प्राइवेट हां भी हां अन्या थी रिकॉर्डिंग्स वगैरह में मसूफ है हां भी मुझे एकरो तला है ना पा प्रोजेक्ट मुझे एकरो हाने खत्म छु 80 मत खसी सही है मन 80 साल जी माई जो कयो था ना उने में मां ना 80 साल अच्छा माई जी के पोड़ा है ना 80 साल जा उने जो इश्क दिखारियो वियो आए हाय उने जो इश्क वरी छा हुंदो आ जी आए क्या तो मन एंजॉय पे कयो ये सीन दिसी करे दे वाह वाह जबरदस्त की करण बुगुर जी कजबा एडा हैंडसम एडा प्यारा आयो करी के छे को यार हीरो भी थी वन ता पे पाण के कोन छे करी मां चोदा जेकी से ता के ना चता ना कयो अच्छा मन के छे ता पे पाण के कदी ना छे पाण के भी छे त तू न कर एक्टिंग मुझे वसे से ना की अच्छा यो भी थिंदो आ सच ता जो छो जे ता के वो रिप्रेजेंट करनो पदो जे की ता न हुंदा आयो ओ असे कुछ मानु वाकई कोन करे सकदा है ओ एक्टिंग तमाम दुखियो कम आ डाडो दुखियो कम में को शक मानु जदन सिंगिंग दुखियो कम आ सिंगिंग मुके आसान लगे एक्टिंग तमाम वधी के दुखियो कम आ एक्टिंग वाकई ता के मुख्तलिफ करेक्टर में वणना आ दुखियो कम आ ये उए कन जे के वाकई उने जिला ठेल हो जन हर के वसे जी गाल कोनी कदी एडो कुछ थियो सिचुएशन अची वई हुजे जेके हैंडल कंदे ता के दुख थी यार आणो की क्या आई मुके करणो पाए पो उने के की मैनेज करे छिदा थोड़ा दफा थया नेड़ा मसला जो असा शूट्स ते हुंदा हूं के फैमिली में एड़ा इश्यूज थी वंदा हैं असा के उते पहुंचणो हुंदो आ हां बिल्कुल रिकॉर्डिंग्स हुंदी उन असा न पुजी सकंदा हूं नथा पुजी सकू घर में की लाइफ जेके थाम बजंदा हैं गोड़ जा अम्मा जा जाल जा बारन जा भेण बावरन जा फैमिली अगर आए तो मुझे खा ता पे घर जा वडा आयो है ना तो बस पो सही भा बहन जिम्मेदारी त जाल जिम्मेदारी त मां जिम्मेदारी बचड़ा जिम्मेदारी पूरी फैमिली तो पो फैमिली माशाल्लाह के बे फैमिली मा चो तो तू तो बाबा पुटे चरियो थी वई पर असब थेण चाहू ता या ना असा मीडिया में चण ला मीडिया में चण ला हर खानदान जो को ना एकड़ो ही मानो अफोर्ड कर सके तो मां भी एकड़ो ही पड़ता है सही सही तो जे बिल्कुल सही है एकड़ा चरे एकड़ो ही चरे होंदो एकड़ो ही सनकी होंदो जो कोई कंदो तो फैमिली दी गाल थी तो माशाल्लाह फैमिली में घणा बचड़ा है मुझे एकड़ो ही पुटड़ो एकड़ो पुटड़ो आ पो उन्हीं की शौक आए ने पासे चढ़ो कोई इंटरेस्ट नहीं तो उते ता जो बाबा आऊं ही चरी है तू ने चरे थी हां खानदान में एकड़ो ही चरे हो जे सच्ची गाल है हर घर में एकड़ो चरे जे में आऊं भाई भाबा है हां पेजो असन अदीब है सो
खेलो इंजॉय पे करो यकीन तहां पे इंजॉय करना होंदा आई लुत्फ अंदोज थी ना होंदा तो थी वने ने जी बिल्कुल थी वने सुभाग जो दा भाई हाण छा था बुधायो सके हाण ताके बुधाइंदा से सिंध जो तमाम मशहूर शायर हलीम बागी साहब वाह उनन जो ये गीत आ पहला ही गायो आ उस्ताद शफी फकीर असली मुल्क रे वरु नालो ये री अरेंज कयो उनन फोक स्टाइल में गायो माने के थोड़ो री प्लेबैक स्टाइल में जबरदस्त हो हाय असा जो पागल मनड़ो हाय असा जो रोगी मनड़ो हाय असा जो पागल मनड़ो हाय असा जो रोगी मनड़ो वाचूड़न में उडरे उलझे वाचूड़न में उडरे उलझे जिय को पिपुर जो छणियल पनड़ो हाय असा जो पागल मनड़ो हाय असा जो रोगी मनड़ो पहंजे वस में लहरों नाहिं पहंजे वस में ना बिना है पहंजे वस में लहरों नाहिं पहंजे वस में ना बिना है बाजे भरया हथ वार बेड़ा त्या कोई सड़ाओ वा बिना ही झुरदड़ बेड़ी जो वाही बनड़ो टुटदड़ बेड़ी जो वाही बनड़ो हाय असा जो पागल मनड़ो हाय असा जो बनड़ो वाचूड़न में उडरे उलझे वाचूड़न में उडरे उलझे जिय को पिपुर जो छणियल पनड़ो हाय असा जो पागल बनड़ो जो छड़ियल पन
वेड़ो हाई असाजो पागल मनड़ो हाई असाजो रोगी मनड़ो तांत मुख्य मना शौक ते शौक प्यारे हो मतलब जै तरीके से डीपली तहाँ बुदी वा जी मुझे चाहिए तुम होश में तीन गानों बुद्धी थी वजद में थी वही एम सी आर मान होश में अच्छे हिंसर भी भाप होश में अची वही छोक छापे करी मुख्य एडो इंजॉय कदी आई माशाला वही अगर अज तो मुझे ये फील थो हलो ठीक है मिसरीलो हों वण ठीक पर जी तुम सुर के अलावा जो ती उन अंदाज पी ऐसा ता हिंदर इं पे जो फर्स्ट टाइम मौको मिलो अचीव करना चाहिए तक कम करो वहीं पाकि नालो करो कुछ अड़ो क्या जो दुनिया के नजर अचे उ फील थी थे ता माना क्रिएटिविटी तीन बाकायदे तेजे फेस से तेजे एक्सप्रेशन से तेजे अंदाज से जाहिर थी थे इं शी पॉजिटिविटी लगी तीन दिल से दिल के लगती सच ताी जबरदस्त गाल कई तौद इन बारे में तैयबा है ना दीप में वनणो तो पेकड़े सिंगर हो जे एक्टर हो जे डायरेक्टर जेको जेको कम करे जे एक्टर भी हाँ। नहीं है ना जेडे ता के कैरेक्टर के खणो ता उने के फॉलो कयो ता दिसो ता उने जे ता उने में जात में हलो ता बन ता जे ने तो एक्टिंग ले मुश्किल आ ता, ता के बे के सामू जेको देखारियो पे वो मानु पाण तो कोना हुंदो ता ये बात का न हुंदी त मेहनत ता है माशाल्लाह से आवाज माशाल्लाह हमेशा वो परते होंगे हाँ दिल में ख्याल कटो हाँ ये बस ये दुख्या कैरेक्टर फनी अज फनी कैरेक्टर कह फोन कर अचो अलग ही फनी ऐसा फैमिली में भी खबर एंजॉयमेंट लव हो गए हो हाँ। तो खुश मुझे नेचर के हिसाब से मैं को कैरेक्टर न डायरेक्टर पान प्रोड्यूसर थी वनो अन्या कुछ कयूं सिखूं अन्या इनन का सिखूं असा ए माशाल्लाह सी ना उने में होती दो ना भला मेओ कुछ ना YouTube चैनल खोले उने में फनी क्यों चढ़ी पो तबा वा ना तो पेने घर जी खेती आ पान कम कदा रहना थी केड़ो फर्क तो पे सही है ना टप तक कोन दो ये एडवाइस सही है ये एडवाइस सही है जबरदस्त कुछ ना कुछ तो पॉलिश थिंदा जी ना उते इने में को शक कोन था तो जी अगर ता पेने घर जो को कम बता के सच्चाई सा खोले तो ने रद्दी पक्की में भी मजो आ जी अगर ती नीयत में हाँ यार ही है पर मुसा वरी अलग थी तुम जैमें मुझे चंदा चो मुझी धी मुझे मुड़स हमेशा मुझे कुक के भजाए छींदा तुझे हथ जो खाईंदी पचाए छो मानी विजानी तुझे हथरी थी वे पर वाह मामा के हथ की मानी पचाया थी मानी हेठा घुरा वो अच्छा ठीक है अचो गो तो मैं हिं हिं होंगी अच्छी खाओ तू मुखा ना हम थकी पी खा तो सी सच्चाई ईमानदारी इंसान की होंगी पर कभी कभी ये कें तमाम घनी प्रिपरेशन कौ तैयारी कौन सुठी को कभी कभी इतफाकन का शेती अच्छा तुम बिन्न का पुछंदस अणवणंदड़ वाक्य जो फील्ड में तक पेश आयो जो चेजे तो फील्ड में न होजन खपे बई बुधायो जो पे बुधा अणवणंदड़ वाक्य के हिसाब से पुछन चाहियो ता इन फील्ड के हवा से मुश्किलातू थी थन परेशानी थी थन कुछ अड़ी गाल ये न होजन तो बेहतर बिल्कुल सही था कुछ शड़ी हूं जो हर शा पॉजिटिव भी हूँ नेगेटिव भी हूँ हर शई पहलू हूँ हाँ मीडिया जो यो जो मुझे मामा की डेथ थी वही मैं शिकारपुर वह मैं जनाजे में वहाँ पो उत भी मूँ अचन पे सेल्फी कढ़ाए हाँ एक मूँ तुख में हो फैंस तो खबर न पवी आर्टिस्ट से गुजरे तीमार भी आयो हॉस्पिटल तक वो दिमाग प्रेजेंट को मुझे वालिद साहब आईसीयू में एडमिट हो तो उते बाहर भी मथा मानू मिलन पया तो माना हो समय आर्टिस्ट माना बाहर ही एकड़े ही उन में हुंदो मूड में हुंदो
इयो न फील्ड जो नेगेटिव जो मुखे लगो है न माल बिल्कुल आ है चन मां भी इत्तेफाक कह दी बिल्कुल काशिफ सा आई मूसा थी चुको आई मूसा थी चुको आई है मां प्राइवेट चैनल जी गल कह थी त मुजी मदर हॉस्पिटल में हुई मुझी मदर हॉस्पिटल में ही मां डायरेक्टर के चवा भाई मुझी मदर हॉस्पिटल में आ मां लाड़काने शूट में हुई से उता मुझे सुबह जो नोशेरे उतरो परवे ना है मां पंजी मां के रात जो उते वही हॉस्पिटल में दिसी मां सुबह जो 4 कलाक जो रस्तो आ मां अच्छी विंदेस मुखे यो मुझी मदर अल्लाह उनके जन्नत नसीब करे हां ना है लेकिन कुछ असा जे पंजन का एड़ी गलती थी जन जगह ही गाल की एहसास ना एहसास ने आर्टिस्ट भला इंसान ना है छा उन्हें जब भी माँ पी है भेण भाई है फैमिली मेंबर है उन्हें सब वाकया थी मुझी मदर माँ उतार चाहिए से उन्हें डायरेक्टर मुख्य चाहिए सॉरी तां जो असा खत्म करे छेड़ो कैरेक्टर वो बेहतर खत्म करे वो बेहतर कम ने करी कम से कम एहसास न रखन जे इंसानियत न हो जे इंसानियत न जे एहसास न रखन दड़ो जे मैं ने जे करे शेर थी कह ता काशिफ जी गाल के अगते बदायो ता यो एहसास न है यो हुजन कपे यो छो जे दिसो ने इने ला ताके बे को ने ये एहसास अगर अंदर में ही कोन न ता बे के छा फीलिंग से कर ता जे तो उन्हें कम में भी फीलिंग्स न होंदी केतन दफा असा वेट कंदा यूं के आर्टिस्ट को प्रॉब्लम टीम दो डायरेक्टर सा लाइटिंग जो मसलो हुंदा सब गाल हुंदी लेकिन जडे आर्टिस्ट जे मथा का गाल इंदिया वो असा सा कोऑपरेट न कंदा अज सच थी बुधायो जे गाल छेड़ी थी तिरा ये पेरी घड़ी पेरो मुकमा मुझे ना बाबा मके इन इंटरव्यू कोने करनो पेरो ये ना थोड़ा मुझे गालन थोड़ा रोबदार हुंदो हां भी अच्छा ये डिजी हुई ये खौफदारी ने तो ये सीरियस तक होंदी मुझे ना बाबा आऊं इनसे कौन कर काम मु इनके स्पेशली मुझे मुलाकात थी ठीक है ना मुझे मुलाकात इनन सा किते थी उते इनन अच्छा था मॉर्निंग शो कर पो आऊं इंदस ने ये हुज्जत कई मुझे यार है ना मानू सा हुज्जत कई मुझे सिंधी मीडिया जो मानू अगर आऊं ने के कैप्चर ना किया तो पो मुझी गलती आ छोजे ही असा जो जो ही प्लेटफार्म आ ही असा जो सिंधी मीडिया जो मॉर्निंग शो आ हां हां ठीक है ना तो मुझे तो भाई ठीक आ उने के सडे हने हने जो डो हां भी के खबर कौन बनी ना हाब करी छरी बेचारी हने के ज़हन मानी की तो सुबह मुझे रिकॉर्डिंग बलन जगह खुशी में ये बेचारी भी तो भाई वणा भाई छोरे हने मुके चयो हने मुके ऑब्लाइज कर मुके ऑब्लाइज थी एडी खुशी थी ठीक है ना सारा कॉल कराई ठीक है ना मु आऊं हते मुझे मथे में सूर घंटी आंग रखा छबा यार हने मानू मुके चयो आऊं जदी का ताहा जे प्रोग्राम मा थी आयस तदी का मुझे देर में आही मानू ही मानू ही मानू इंदे ही मु पेजी कंटेंट हेड के रडियो कयो हन उने का मुने बा सा गलाया पेजी डायरेक्टर सा गलाया पेजी सुनी मुजी दोस्त था उने सा गलाय मुचे ही सब मानू ताहा दे ड्यूटी मुके करे दियो मुके ही सब खपन जिते सना पेजा मानू ठीक है ना मॉर्निंग शो आ बहुत अच्छा साईं अस हाथ पे बदा सी छोटा बिल्कुल ही तो ये बात इंटरव्यू ना करनो वाला हां आऊं वी देवी छोटे टाइम लाई घटा पर एकड़ो सवाल जरूर करनस सोशल मीडिया इंसानियत आई प्राइवेसी ये एक टेश एडी खतरनाक है जिनके ता अगर इस्तेमाल सही न था क्यों तो पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब के दी थी ता जी पर्सनल लाइफ के सोशल मीडिया ते ता खणी ता चो मुझी हुए इन हो या अस मीडिया से कम करा इन जो हक कें को लिखन में अजकल मोबाइल थी वह भरे वा ती गई छा यो केडो गलत इन केडियो तबाहकार सोशल मीडिया तो ना बिन किस्म जो हाँ एक मून जो सोशल मीडिया यूज ही आर्टिस्ट सॉरी टू से कंट्रोवर्सी क्रिएट क्रेंडिंग में बिल्कुल या अगर मुझी तां सा दुश्मनी आ तो के तरीके सा का एड़ी गाल ता जी जलिया मानु फैलाए छड्या तो ता के बदनाम करे ही उठा या एकड़ी मतलब गलत गलत छे आ ता भी यकीन ने का इत्तफाक कर दो तो यो ना होण कपे तो बस टाइम जी खबर कोन भई कचेरी में वेंदा आयु तो वाकई खबर कोन पंदी आ दिल भी कोन चवंदी आ मजी डेरा सुठा मानक मोतिन जड़ा मानु हुंदा इन सा वट असा चवंदा आयु मैं जितो फायदो वी सूँ वूँ उनका मिठड़ा मिठड़ा बोल गाल मिठड़ी मिठी गाल कुछ पैंजू बुधा कुछ बुधी कर वरी ताई पहुँचाई पहुँचाई सामू बुध पा सो ढो मजो इन दिल से नी चवे तो बंद क्यों प्रोग्राम पर उ गाल वींदे वींदे बाकाशे को जानी आखिरी कलम थी वे हाँ बाइन वाइंडअप उन चंदी हल हमेशा वागर चवंदी आया तो शेयरिंग सिखारो पे बार ताकि वड़ा थी तो उन्हें बैलेंस में रहा बी शण छोटे रूटीन थी वही मुझे स्लोगन थी वह तो बूटा पोखो गुल पोखो घर के अगर एक घर के अगर तो गुलस्तान थी असो सिंध न पर त
पूरो पाकिस्तान सो सैर अली खान के इजाजत दींदा पाकिस्तान जिंदाबाद जी हले ताजो गुजरियो आया फादर्स डे हाँ तो पो वाले साहब ला मैं एकड़ो गीत गायो उन वक्त मुझे वाले साहब आईसीयू में बाबा की डेथ थी वही आने कुछ लाइन उन जो ताके बता तो याद ही दोवा तू बाबा याद ही दोवा याद ही दोवा तू बाबा याद ही दोवा जडे मां भाई रुडस दोवा तू बाबा याद ही दोवा जडे मां गोट वी दोवा तू बाबा याद ही दोवा याद ही दोवा तू बाबा याद ही याद ही दोवा तू बाबा याद ही दोवा जडह मां भाई रुडस दोवा जडह मां भाई रुडस दोवा तू बाबा याद ही दोवा जडह मां गोठ वी दोवा तू बाबा याद ही दोवा तू बाबा याद ही दोवा था तू जाना मारा।